आज हम आपके लिए सेक्टर 3 रोहिणी में बनी हुई 1350 स्क्वायर फीट 4 BHK प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। स्पेस प्लानिंग बहुत इफेक्टिव है, इंटीरियर प्लीजिंगली ब्यूटीफुल है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन टॉप नॉच है। प्रॉपर्टी सेक्टर 3 की सबसे बढ़िया पॉकेट में से एक लोकेलिटी में बनी हुई है। नाउ वेलकम टू द लिविंग रूम ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिसेंट इन साइज। एज यू कैन सी सीलिंग वर्क बहुत बेहतरीन किया हुआ है। आपको शेल्डर इंस्टॉल करके मिलता है इस प्रॉपर्टी में। राइट हैंड साइड पे जो एंट्री डोर है उसके साथ में आपको मंदिर इंस्टॉल करके दिया हुआ है। अब हम आ गए हमारे बेडरूम नंबर 1 में। लुक एट द फील ऑफ द बेडरूम, स्पेशियस इन साइज, कलर थीम बहुत ही बेहतरीन है। अब हम आ गए हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर। इसमें आपको मिल जाता है डबल डोर एक्सेस, जिसमें आपको बेडरूम नंबर 1 से भी एक्सेस मिलता है एंड साथ में हमारे को मिल जाता है हमारे लिविंग रूम से एक्सेस। नाउ वी हैव एंटर्ड टू द बेडरूम नंबर 2। जैसा हमने बेडरूम नंबर 1 में देखा था, अगेन 2 फुल साइज हमारे को वार्डरोब मिल जाती है एंड लुकिंग मिरर इंस्टॉल मिल जाता है, जो कि हमारे को ऑलमोस्ट हर बेडरूम में दिया गया है। अब हम आ गए हैं इसके साथ के अटैच्ड वॉशरूम में। फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन की गई है, मटेरियल बहुत ही प्यारा लगाया गया है, इंटीरियर्स सटल हैं, अट्रैक्टिव हैं। अब हम आ गए हैं हमारे किचन की तरफ। ये हमारे इस प्रॉपर्टी किचन है, जो कि यू शेप किचन है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। अब हम आ गए हैं हमारे मंदिर की तरफ। तो जैसा हमने बताया था कि इस प्रॉपर्टी में एक डेडिकेटेड स्पेस मंदिर के लिए दिया गया है। ये हमारा वो मंदिर है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। एक घर में इतना आलीशान मंदिर, इतना प्यारा मंदिर मिल जाए, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अब हम आ गए हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 में। अगेन 2 फुल साइड वार्डरोब, लुकिंग मिरर दिया गया है, नीचे आपको ड्रेसिंग टेबल बना के दिया गया है। फिर भी आपका रूम का जो साइज है वो बहुत अच्छा है, बेड लगाने के बाद भी आपको अच्छा मूविंग स्पेस मिलेगा। अब हम आ गए हमारे अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। ये हमारा आ जाता है इस प्रॉपर्टी का वॉशरूम नंबर 3। ये हमारा यहाँ पे बेथिंग एरिया आ गया है। बीच में हमारा WC था एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा WP था। वेंटिलेशन के लिए आपकी हर जगह शाफ्ट दी गई है या फिर विंडो दी गई है, तो वेंटिलेशन पूरे घर में मेंटेन की गई है। अब हम आ गए हमारे अटैच्ड बालकनी की तरफ, जो कि आपकी रूम नंबर 4, रूम नंबर 3 दोनों से अटैच्ड है, प्लस जो किचन है उसकी विंडो ओपनिंग भी इसी तरफ है। ये एक बहुत अच्छे साइज की बालकनी मिलती है, बालकनी स्पेशियस भी है। अब हम आ गए हैं हमारे बेडरूम नंबर 4 में। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द प्रॉपर्टी। अभी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये आपके सपनों का घर बन सकता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जब तक के लिए अलविदा।